हमारे साथ प्रीतम सिंह जी जुड़ रहे हैं। प्रीतम सिंह जी, ये दुखद खबर है, कितनी बड़ी क्षति है, कितना बड़ा नुकसान है? शीला दीक्षित जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता रहे और उन्होंने जीवन पर्यंत जो है कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन तमाम उतार चढ़ावों से गुजरते हुए जिस तरीके से उन्होंने देश की और दिल्ली के विकास की बात करी, मैं कह सकता हूँ कि वो अपने आप में कैसी मिसाल है। आज दिल्ली को जिस स्वरूप में आप और हम देख रहे हैं, ये सब शीला दीक्षित जी की देन है। हमने एक ऐसा नेता खोया है जिसकी भरपाई जो है बड़ी मुश्किल है। इस घटना से जो है, शीला दीक्षित जी के निधन से जो है, देश को जो है बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं शीला दीक्षित जी के आकस्मिक निधन पर अपने शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और शीला दीक्षित जी को ईश्वर अपने चरणों में वास दे और कांग्रेस और शीला दीक्षित जी के परिवार को इस गहन दुख को वहन करने की जो है शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जी। अब प्रीतम सिंह जी, जैसा कि आपने दिल्ली का जिक्र किया और दिल्ली में जिस तरीके के विकास हुए और दिल्ली का जो स्वरूप आज हम देखते हैं, उसको लेकर शीला दीक्षित का बहुत बड़ा योगदान रहा और दुनिया भर में कई मंचों पर उसकी तारीफ हुई। लेकिन जब कार्यकर्ताओं को टिप्स वो देती थी, कार्यकर्ताओं से और आप जैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करती थी, तो किस तरीके की बातचीत होती थी? क्योंकि अभी राशिद अल्वी जुड़े थे, उनका कहना था कि कल तक तो ये खबर आ रही थी कि जो मौजूदा राजनीतिक हालात बने हैं उसमें वो एजिटेशन के लिए जाने की बात चल रही थी, लेकिन अचानक से ये हो गया तो स्तब्ध है वो। शीला दीक्षित जी बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव की हमारी नेता रही और आम कार्यकर्ता से जिस तरीके से संवाद करती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे कार्यकर्ता और शीला दीक्षित जी में कोई दूरी नहीं, बल्कि अपनत्व तो इतना था, इतना अधिक रहता था कि हमें ये देख करके बड़ी खुशी होती थी कि हमारी इतनी बड़ी नेता जो है आम कार्यकर्ता को किस तरीके से जो है साथ लेने की बात करती है, उनको आगे बढ़ाने की बात करती है। कोई कैसी नेता थी, कैसी शख्सियत थी और दिल्ली के विकास के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि सही बात है कि आज दिल्ली जिस स्वरूप में भी है, चाहे वहाँ हम फ्लाईओवर की बात करें, चाहे हम सड़कों के निर्माण की बात करें, चाहे मेट्रो का हम जिक्र करें, जो दिल्ली आज दिखाई देती है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, ये सब चीजें जो है आज आप और हम देख रहे हैं, इसमें शीला दीक्षित जी का अहम योगदान रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद प्रीतम जी, हमारे साथ आप जुड़े।